आज हम आपको बताएंगे राधिका अपार्टमेंट में क्या हुआ, किस गांव में युवाओं ने पौधे लगाए, द्वारका के किन पुलिस अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन का अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 10 सेकंड के ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। सावन महीने के आखिरी सोमवार के दिन प्रदोष व्रत था और इस महीने की 15 तारीख को सावन का महीना समाप्त हो जाएगा। 12 अगस्त सोमवार को सेक्टर 23 स्थित हनुमान द्वारका मंदिर में रुद्राभिषेक हुआ। यह अभिषेक शाम को 4:15 बजे शुरू हुआ और 7:15 बजे समाप्त हुआ। इस अभिषेक में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सेक्टर 23 स्थित इस मंदिर में हर प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक किया जाता है। सन 2018 में सरकार ने आपराधिक मामलों की जांच में बेहतर काम करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन मेडल को कॉन्स्टिट्यूट किया था। इस साल यह अवार्ड जिनको दिया जाने वाला है वो सूची जारी हो गई है, जिसमें पूरे देश में कुल मिलाकर 96 पुलिस कर्मियों को इस मेडल से नवाजा जाएगा। और इस 96 लोगों की लिस्ट में 6 लोग दिल्ली पुलिस के हैं और उन 6 में से 2 लोग द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हैं। जी हाँ, जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मिला है वो मिला है एसीपी राजेंद्र सिंह जी को। एसीपी राजेंद्र सिंह जितने पॉपुलर अपनी पुलिस फोर्स में हैं, उतने ही पॉपुलर वो द्वारका के लोगों के बीच में हैं। और दूसरा अवार्ड द्वारका नॉर्थ पुलिस स्टेशन की वुमेन सब इंस्पेक्टर मंजू चहर को भी इस अवार्ड के लिए चुना गया है। और ये दोनों लोगों को अवार्ड मिलना द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ साथ सबके लिए सम्मान की बात है। दिल्ली पुलिस के 4 और जो लोग हैं जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनमें श्रीमती छाया शर्मा जो कि डीसीपी हैं, नरेश कुमार सोलंकी जो कि इंस्पेक्टर हैं, श्रीमती प्रतिभा शर्मा वुमेन इंस्पेक्टर हैं, और उनके साथ साथ संदीप तुशीर जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, इनको भी अवार्ड मिला। इन सभी लोगों को इसके लिए बधाई। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। रणबीर, प्रभाकर और अनीश ये 3 युवाओं ने बापरोला गांव के रहने वाले लोगों के साथ मिलकर करीब 120 पौधे लगाए, जिसमें 85 पौधे तुलसी के थे, 2 बेल के, 3 नीम के और 5 पीपल के, और उसके साथ साथ अन्य कई पौधे भी इन लोगों ने लगाए। और ये प्लांटेशन का काम बापरोला बॉक्सिंग अकेडमी के कैंपस और नांगलोई नजफगढ़ रोड पे किया गया। रविवार के दिन राधिका अपार्टमेंट के मंदिर प्रांगण में एक जनरल बोर्डिंग मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लोगों ने नए RWA के चुनाव को लेकर बातचीत की। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया नए RWA के लिए चुनाव 1 सितंबर को कराए जाएंगे और उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। इस तरह की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। आप हमारे Facebook के पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट www.radiodwarka.com पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।